सर जी, बात करें अगर अब कॉटन की, तो M6 कॉटन में हम देख रहे हैं कि 4,600-700 का ही लेवल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से अब कभी भी M6 कॉटन में शार्प करेक्शन देखने को मिल सकती है, जैसा आपने पहले बताया था, क्या वो कभी भी एक्सपेक्टेड है? देखिए, बिल्कुल मैंने आपके चैनल पे एक शार्प जी करेक्शन भी बताया था। मेरी उम्मीद थी कि 31-32 हजार तक का भी लेवल हम देख पाएंगे, बिकॉज सोने के फिगर्स है जो हमारी उम्मीद है कि इस बार अच्छी रहेगी और उनके भाव को देखते हैं। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं एरिया देखूँ तो तेलंगाना बेल्ट में सुनने में है कि हल्दी के अलावा अगर 9 महीने की क्रॉप में बात करें तो मस्त कैस्टर और कॉटन, ये कपास, ये दोनों के दोनों काफी हाई प्रोबेबिलिटी के फार्मर इनमें शिफ्ट हो सकते हैं। जी बट अभी भी आप एक चीज समझ के चलिए कि ग्लोबल मार्केट में जो मैं एक्चुअली फॉल जो देखा था वो एरिया बढ़ने की वजह से देख रहे थे, बट फरवरी और मार्च महीने के अंदर ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो तेजी आई है ये कहीं ना कहीं एक बार फार्मर को वापस सोचने पर मजबूर कर देगी कि कॉटन में जाना चाहिए या ऑयल सीड में, क्योंकि ऑयल सीड के अंदर अगर हम देखें तो क्रॉप साइज भी छोटी होती है और उनको सेकेंड क्रॉप के लगाने का भी मौका मिल जाता है। तो आई थिंक कॉटन का जो एरिया है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जो पहले मेरी उम्मीद थी कि प्राइजेस 32 हजार का लेवल दिखा के फिर 65 जाए, अब ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है गवर्नमेंट का एक्शन जो हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था कि इंपोर्ट ड्यूटी स्क्रैच हुई थी, उसके बाद भी आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट तेज ही हुआ है, क्योंकि अब तक इंडिया का जो पोजिशनिंग थी वो एक्सपोर्ट में ज्यादा थी इंपोर्ट के एवज में, लेकिन जब इंडिया इंपोर्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि बैलेंस शीट की सिचुएशन और ज्यादा टाइट ही है। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि हाँ, सोइंग के फिगर जैसे से आने चालू हो जाएंगे क्रॉप साइज के, वो प्राइस में दबाव लाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन हायर साइड में मुझे लगता है कि आप 65,000 से 68,000 की तैयारी हमें कॉटन एमसीड पे कर लेनी चाहिए, जो इंटरनेशनल में 180-185 के लेवल बनते हैं। जी,